गुड मॉर्निंग क्लास, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से। आज हम आपको होम साइंस बीए सेकंड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रहे हैं, बाल विकास। इसमें हमारा टॉपिक वही कंटिन्यू रहेगा जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता रही थी कि गर्भस्थ शिशु का विकास किस क्रम में होता है। तो सर, मैंने आपको बताई पिछली वीडियो में कई सारी चीज़ें बता दी थी कि डिम्ब अवस्था, भ्रूण अवस्था क्या होती है, इसका क्या महत्व होता है। आज हमारी जो हेडिंग रहेगी, फर्स्ट हेडिंग, वो है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इसमें आपको हर माह के हिसाब से अवस्थाएं बताई जाएंगी कि शिशु जब 3 महीने का होता है, सो वो तब वो माँ के गर्भ के अंदर उसकी विकास की क्या अवस्था होती है, जब वो 5वें माह में आता है तो क्या अवस्था होती है। इसमें आपको हर मंथ बाई मंथ बताया जाएगा। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इसमें लिखी हुई हमारी हेडिंग गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो फर्स्ट है गर्भकालीन विकास की जो तीसरी और आखिरी अवस्था है, वो गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहलाती है। यह 3 महीने के प्रारंभ से जन्म लेने के बाद तक होती है। यह जो अवस्था है, ये निर्माण की नहीं बल्कि विकास की होती है, क्योंकि जब भ्रूण अवस्था में जिन जिन अंगों का निर्माण हो गया है, उन्हीं का विकास इस अवस्था में होता है। इस अवस्था की शुरुआत होने से अंत तक प्रत्येक महीने में गर्भस्थ शिशु के वजन, भार तथा उसकी लंबाई में लगातार वृद्धि होती रहती है। तो इसमें मंथ वाइज बताया जाएगा। तो फर्स्ट हेडिंग जो है हमारी, आप देख रहे हो, 3 माह, 3रे महीने में प्रत्येक महीने गर्भस्थ शिशु के भार तथा आकार में वृद्धि होती ही रहती है। 3रे महीने के अंत तक उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा उसका भार 3/4 औसत हो जाता है। उसके हाथ तथा पैरों में उंगलियां बन जाती हैं तथा शरीर पर पतली मुलायम गुलाबी रंग की त्वचा भी आ जाती है। जब जैसे ही गर्भवती महिला का 3रा महीना लगता है, तो उस समय शिशु का भार, जो शिशु की लंबाई होती है, वो 6 सेंटीमीटर हो जाती है और उसका भार हो जाता है 3/4 औसत उसका भार हो जाता है। और जैसे ही 3रा महीना लगता है, तो शिशु की हाथ पैरों की उंगलियां बनना भी शुरू हो जाती हैं और पूरे शरीर पर एक गुलाबी मुलायम रंग की त्वचा भी आना शुरू होती है। गर्भ का पोषण अब गर्भनाल से नाभि रज्जु द्वारा होने लगता है। जब शिशु 3 महीने का होता है, तो उसका पोषण शुरू हो जाता है, जो कि माँ की गर्भनाल से उसकी गर्भनाल जुड़ जाती है। फिर यह देखो सेकेंड हेडिंग, चौथा माह। तो 4थे महीने में शिशु का सिर बहुत बड़ा होता है और सिर पर छोटे छोटे बाल भी आ जाते हैं। इस समय जो शिशु की लंबाई है, वो 11 से 13 सेंटीमीटर और भार उसका 110 ग्राम हो जाता है 4थे महीने में। और उसके जो हाथ पैर की उंगलियों में भी नाखून बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही 4था महीना लगता है, तो उस समय शिशु का जो सिर होता है, उसका सिर का आकार बड़ा होता है शरीर की अपेक्षा, और बाकी उसके सर पर छोटे छोटे बाल भी आने लगते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है, वो 11 से 13 सेंटीमीटर की हो जाती है 4थे महीने में। और इसका वज़न होता है शिशु का 110 ग्राम। इसके हाथ पैरों की जो उंगलियाँ होती हैं, उन पर भी धीरे धीरे नाखून बनना शुरू होते हैं तथा कमर स्पष्ट हो जाती है, कमर अपना रूप ले लेती है और मसूड़ों के अंदर दांतों के विकास की प्रक्रिया भी आरंभ हो जाती है। गर्भवती के पेट का आकार भी कुछ बड़ा सा हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट हेडिंग है 3रे-5वें माह में। तो 5वें माह में शिशु की लंबाई 20 सेंटीमीटर तक हो जाती है, उसका भार 300 ग्राम भी हो जाता है। हृदय की जो धड़कन, उसकी हृदय की धड़कन भी शुरू हो जाती है और मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे शिशु की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है और समस्त आंतरिक अंग भी अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है 6वां महीना। तो 6वें माह में त्वचा में रुएदार हो जाती है और शिशु शरीर पर तरल पदार्थ एकत्रित होने लगता है। इस अवस्था में सिर का विकास भी तीव्र गति से होता है और सिर, जो कि 3रे महीने के अंत तक संपूर्ण शरीर का 1/3 भाग होता है, वह 6वें महीने के अंत तक संपूर्ण शरीर का 1.5 भाग हो जाता है। अब है 7वें महीने में। तो 7वें महीने में शिशु माँ के पेट में स्थिर हो जाता है और जन्म लेने तक उसी स्थिति में पड़ा रहता है। 7वें महीने में जो शिशु होता है, माँ के गर्भ के अंदर अपनी एक पोजीशन ले लेता है और जब तक उसका जन्म नहीं होता, 9वां महीना पूरा नहीं होता, तब तक वो एक ही पोजीशन में, एक ही स्थिति में रहता है। अब है जैसा कि 8वें महीने में। तो 8वें माह में शिशु का जो वजन है, वो 5 पौंड तथा लंबाई 18 इंच हो जाती है और त्वचा लाल
और झुर्रीदार हो जाती है। सभी अस्थियों का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, सभी अस्थियां उसकी पूरी तरीके से परिपक्व हो जाती हैं, लेकिन शरीर पर वसा भी एकत्र होने लगता है। वसा की जो परत होती है उसके शरीर पर धीरे धीरे चढ़ने लगती है आठवें महीने में। हृदय, फेफड़े तथा नाड़ी मंडल अनुपातों में आ जाते हैं और अपना कार्य भी ये प्रारंभ कर देते हैं। अब आगे है हमारा लास्ट मंथ जो है नौवां महीना। तो नवें माह में शिशु की त्वचा पर स्वाभाविक रंग आ जाता है, सिर पर घने बाल आ जाते हैं। इस समय से शिशु धीरे धीरे गर्भाशय में नीचे की ओर खिसकने लगता है और जन्म तक इसी स्थिति में वह रहता है। और शिशु के जन्म के लिए 275 से 280 दिन की आवश्यकता होती है, जो पूरा चक्र होता है एक गर्भकालीन अवस्था का। तो पूरी उसमें 275 दिन से 280 दिन का समय लगता है, तब जाकर एक नवजात शिशु का जन्म होता है। तो ये हो गई हमारी शिशु गर्भ शिशु की पूरी अवस्थाएं। अब साइड में जो आप हेडिंग देख रहे हैं वो है गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, कि वो कौन से तत्व होते हैं जो गर्भकालीन जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है तो उसके विकास को वो प्रभावित करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट हेडिंग जो है आप हमारी देख रहे हैं, इसमें माँ का आहार, कि माँ क्या डाइट ले रही है। तो गर्भधान के 10 दिन बाद से ही गर्भस्थ शिशु अपने पोषण के लिए माँ पर आश्रित हो जाता है, अतः गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि माँ का आहार संतुलित व पौष्टिक हो और उसमें शरीर निर्माण प्रोटीन ऊर्जा उत्पादक कार्बोस तथा वसा तथा शरीर रक्षात्मक खनिज लवण तथा विटामिन व पौष्टिक तत्वों का सम्मिश्रण गर्भवती स्त्री की शारीरिक मांग के अनुसार हो। यदि गर्भकालीन अवस्था में माँ को संतुलित व पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है तो इसका सीधा दुष्प्रभाव इसका सीधा दुष्प्रभाव गर्भस्थ शिशु की लंबाई भार, शारीरिक शक्ति, अस्थि, दांत तथा आंखों आदि सभी पर पड़ता है। हेपलर ने अपने अध्ययनों के बाद बताया कि यदि गर्भकालीन अवस्था में गर्भवती माँ को संतुलित आहार प्राप्त नहीं होता है तो शिशुओं में कई प्रकार के दोष उत्पन्न होने लगते हैं। तो जैसे ही शिशु माँ के गर्भ के अंदर ठहरता है और उसको गर्भ के अंदर आए हुए 10 दिन होते हैं तो वो माँ जो भोजन माँ ले रही है वह उस पर आश्रित हो जाता है, कि माँ कैसी डाइट ले रही है, उसका आहार कैसा है, तो वही उसी सबसे शिशु का शारीरिक विकास होता है। सेकेंड हेडिंग जो हमारी वो है माँ का स्वास्थ्य, मदर्स हेल्थ। तो स्वस्थ शिशु के विकास के लिए माँ का स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक होता है। यदि माँ स्वस्थ होगी तभी जाकर एक स्वस्थ शिशु का जन्म होगा, क्योंकि गर्भवती माँ की बीमारियों का सीधा असर गर्भस्थ शिशु के विकास पर हानिकारक प्रभाव डालता है। कुछ गंभीर संक्रामक बीमारियाँ यदि माँ को हो जाएं, जैसे सिफिलिस, गोनोरिया आदि, यदि गर्भवती माँ इन सब बीमारियों से पीड़ित है तो गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर इसके भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इन सब बीमारियों से अगर माँ संक्रमित है तो उसका गर्भपात भी हो सकता है। यदि शिशु का जन्म स्वस्थ चाहिए तो माँ का स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड हेडिंग है मादक द्रव्य तथा तंबाकू। तो मादक द्रव्य तथा तंबाकू शिशु स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यदि हम कोई नशे की चीज़ ले रहे हैं, गुटखा है, तंबाकू है, शराब, यदि इनका सेवन कर रही हैं, कुछ महिलाएं भी होती हैं जो इन सब का सेवन करती हैं, तो इन सब का सेवन करना तो गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। यदि गर्भवती स्त्री गर्भकालीन अवस्था में वो प्रेग्नेंट है और तंबाकू मादक पदार्थों का सेवन करती है तो इसका प्रभाव शिशु के हृदय तथा स्नायु सीधा हृदय और स्नायु संस्थान पर पड़ता है। जो स्त्रियां गर्भकाल में शराब का भी सेवन करती हैं तो गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार तंबाकू, जिसमें कि तीव्र विषैले पदार्थ निकोटिन पाया जाता है, यह भी शिशु के सामान्य रक्तचाप तथा हृदय की धड़कन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट फोर्थ हेडिंग हमारी माँ की संवेगात्मक अनुभूतियाँ। तो माँ की
गर्भकालीन संवेगात्मक अनुभूतियाँ गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार गर्भवती माँ की कष्टदायक संवेगात्मक अनुभूतियाँ बच्चे में जन्म के बाद अस्थिरता, अतिसक्रियता तथा बेचैनी के लक्षण उत्पन्न करती है। ऐसे बच्चे अधिक रोते हैं और भली प्रकार सो नहीं पाते। इसके विपरीत जिन माताओं को गर्भकाल में सुखद व अनुभूतियाँ होती हैं उनके बच्चे प्रसन्नचित, स्वस्थ तथा बहुमूर्खी होते हैं। नेक्स्ट इसकी हेडिंग है पांचवी, माता पिता की उम्र। तो माता पिता की आयु शिशु के विकास को कुछ सीमा तक प्रभावित करती है। हर लोग के अनुसार राइटर उन्होंने बताया कि संतानोत्पत्ति के लिए स्त्री की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि इस आयु में यौन अंग जो होते हैं, यौन अंगों में परिपक्वता आ जाती है, जिससे उत्पन्न शिशु शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। लास्ट हमारी हेडिंग है इसमें जन्म का महीना। तो हर लोग अपने अनेकों प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर बताया कि जन्म का जो महीना है वो शिशु के बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है। वसंत और गर्मी में उत्पन्न बच्चों की बुद्धि लब्धि जाड़े में उत्पन्न बच्चों की बुद्धि से अधिक होती है। ऐसे बालकों की शैक्षण उपलब्धियां भी सर्दी के महीनों में उत्पन्न बालकों की अपेक्षा अधिक अच्छी होती हैं, और ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है। किंतु अधिकांश वैज्ञानिक मानना है कि जिन बच्चों का जन्म गर्मी के मौसम में होता है उनकी बुद्धि लब्धि अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, लेकिन जिन बच्चों का जन्म सर्दियों के समय होता है तो उनकी बुद्धि लब्धि बहुत ही अच्छी होती है, वह शैक्षणिक उपलब्धियां बहुत ही अच्छी तरह हासिल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर, यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएँगे प्रसव प्रक्रिया के बारे में।